शाम का टाइम है। मैं ये केक ले आया हूँ। रिदा की अब माशाल्लाह कुछ तबीयत बेहतर है। ये केक हमसे पूरा तो नहीं खाया जाना। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या पहले से ठीक हूँ? चलना सनी, सनी आजो 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 आजो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मेरी तबीयत कुछ पहले से बेटर है। कल बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे फीवर था बहुत और एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा थी। पेट में बहुत इतना दर्द था कि मैं हिल भी नहीं सकती थी। बच्चे मेरे पास से टच भी होते थे मेरी कैट्स, तो मुझे पेन होती थी। तो कल तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे फीवर था बहुत ज़्यादा और एब्डोमिनल पेन बहुत थी, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे। तो मेडिसिन मैं कल से ऑनवर्ड अब तक ले रही हूँ। फीवर मेरा काफ़ी कम हो चुका है, बल्कि इनफैक्ट अब मुझे फीवर नहीं है। और जो पेन है, बॉडी पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन जो है वो अभी भी है, लेकिन उसकी पेन की इंटेंसिटी कल से कम है, लेकिन पेन अभी भी बहुत है। तो मैं काम तो खैर अभी इतना नहीं कर पा रही कोई भी। और कल मम्मा सारी रात मेरे पास रही थी, क्योंकि बार बार मुझे वॉशरूम भी जाना होता था, तो वो मुझे हेल्प करती थी जाने में, कि मुझे इतना भी नहीं उठा जाता था, मैं साइड भी नहीं ले पा रही थी। अब मम्मा घर चली गई हैं, तो मैं मेडिसिन अभी भी ले रही हूँ, अभी मैं ठीक हूँ। तो सोचा चले आज वीडियो भी बनाती हूँ, अभी थोड़ी देर में सालन भी पका लूँगी, थोड़ा मतलब कुछ देर बैठूँगी और कुछ देर खड़ी होंगी, बना लूँगी। और आप सब लोग मेरी इतनी टेंशन ले रहे थे और मुझे इतनी दुआएं दे रहे थे, थैंक यू। और आप लोग की दुआएं हैं कि मैं जल्दी ठीक हो रही हूँ। तो व्लॉग मेरा आता ही रहेगा, व्लॉग मिस नहीं होगा। तो चलें जी, अब चाय पी लेती हूँ मैं और साथ में पी केक्स वगैरह लाए हैं तो वो भी खा लेती हूँ। सुलेमान, ओ मिस मैगी, नहीं ये मैगी है, ये कौन है, पहचानो इसको, ये बिल्लू। क्या नाम है आपका? मनसा। ये हमारा सब्सक्राइबर है और ये पता नहीं कैसे हमारा घर ढूंढ के आज हमारे घर आए हैं और ये हमारी कैट से मिलना चाह रहा था। बिल्लू, मिनी कितना डर रही है। तुमने सबसे पहले किसका ब्लॉग देखा था? सबसे पहले मैंने कैट्स के बारे में। नहीं, मिनी का ब्लॉग देखा था। सबसे पहले मैंने मिनी का ब्लॉग देखा था जब मिनी के बेबीज हुए थे। सबसे पहले मैंने मिनी का ब्लॉग देखा था जब मिनी ने बच्चे दिए। अच्छा, स्कूबी को निकालो, बगीरा को। इसका पता है ये कौन है? ये नहीं। ये है मैगी, स्कूबी की बेटी। ये नहीं, ये जो न्यू बेबीज पैदा हुए हैं, ये बस बिनी का बेबी है। बिनी का बिनी वाला व्लॉग भी देखा? मुझे बिनी लगता था। बिनी नहीं, नहीं बिनी अलग है, बिनी अलग है, बिनी अलग है। बिनी के अभी ये न्यू बेबीज हुए हैं। बिनी के न्यू बेबीज वाला व्लॉग नहीं देखा? देखा है, जब उसका दिल बहुत था। हाँ ये वो वाले ये बच्चे वाले हैं ना। बिनी वाले हैं।
ये भी बहुत छोटे हैं। बिल्लू बिल्लू ये बिल्लू आप क्यों करने आए हो बिल्लू? बिल्लू इसको पकड़ लो, मैं खाना बना रही हूँ थी, मुझे तंग करेगा। बिल्लू आप अंदर चले जाओ। बिल्लू बिस्किट्स खाने? अच्छा मैं देती हूँ अपनी जान को, इश्क के अंदर है। बिल्लू बिल्लू इसमें बिल्लू मैं अभी खाना बनाने लगी हूँ, तो मैं बीफ बना रही थी। बीफ एक्चुअली बहुत क्विक बन जाता है, बस आप सब कुछ डालो और पकने रख दो उसको ना, तो जो मेरी आजकल तबीयत है उस हिसाब से मेरे लिए यही सूट करता है कि बस ऐसी चीज़ बनाऊँ जो जल्दी जल्दी बन जाए। वो इसलिए क्योंकि मुझे ना बाहर का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है बाहर के खाने से। मिनी आप नीचे आओ ना। तो अभी हमने खाना, अब हम खाना खा रहे हैं। खाना मैंने बना लिया था और बीफ कढ़ाई मैंने बनाई थी, ये ज़रा जल्दी बन जाती है तो मैंने आज यही बना ली थी और एक रोटी मैं इसके साथ खा रही हूँ। अभी जब तक तबीयत ठीक नहीं होती तो एक दो दिन मैंने डाइट जो है ज़रा स्टॉप कर दी है, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करूँगी। और अगर आपको पीछे से आवाज़ आ रही है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करें, मशीन चल रही है, वॉशिंग मशीन, उसकी आवाज़ है। तो खाना मुझे ना खाने के साथ हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं उसको ऐसे ही ना बड़े बड़े पीसेस में तोड़ कर खा रही हूँ। तो बस खाने के बाद मैं रूम में आ गई थी। साशा को ना मुझसे बहुत प्यार है। अभी यहाँ पे मैं एक चेयर पर बैठी थी तो दूसरी चेयर पे मेरे साथ आकर बैठ गई है। जब मैं सुबह को उठती हूँ ना तो सुबह सुबह तो साशा भाग कर आती है और मुझे हग कर लेती है और मेरी गोद में चढ़ जाती है। किसी दिन मैं सुबह से व्लॉग स्टार्ट करूँगी और आपको सुबह के टाइम इन सब के रिएक्शंस दिखाया करूँगी कि जब मैं उठती हूँ तो ये उस टाइम मेरे साथ ये लोग क्या करते हैं। अब देखें मेरे पास खड़े होकर मुझसे प्यार ले रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यार करती है ये मुझसे, बहुत ज़्यादा प्यार करती है ये भी और मिनी भी, बहुत दोनों प्यार करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ छोटे बच्चे। वैसे तो ये माशाल्लाह से जब से पैदा हुए हैं मैं आपको डेली व्लॉग में दिखा रही हूँ कि इनकी कितनी ग्रोथ हो गई है। और यहाँ देखें इन सब बच्चों की आईज़ ओपन होने वाली हैं। अब ये जो ब्राउन वाली बेबी है इसकी देखें, इसकी भी लाइट लाइट सी ओपन होना स्टार्ट हो रही हैं, दो तीन दिन में इसकी ओपन हो जाएंगी। और मैं आपको दोनों वाइट बेबीज़ की भी दिखाती हूँ। जो वाइट वाले हैं ये दोनों मेल हैं, ये देखें इसकी भी थोड़ी थोड़ी सी ओपन हो गई है ना, तो वाइट वाले दोनों मेल हैं और जो ब्राउन वाली है वो फीमेल है। अच्छा इसका कलर लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फॉन है या क्या है, ये ब्राउन कलर है। तो ये इसका कलर एग्जैक्टली वैसा ही हो गया है जैसे मॉन्की का कलर होता था ना, बिल्कुल मॉन्की के कलर की ये पैदा हुई है। तो माशाल्लाह बहुत हेल्दी हो गए हैं, बहुत बहुत हेल्दी हो गए, एक्टिव हो गए हैं बच्चे। इंशाल्लाह दो तीन दिन लगेंगे इनकी आइज़ प्रॉपर ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर इनकी मम्मा इनको दूध पिलाकर सुला के चली गई है, तो मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि मैंने फ़ौरन से कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड किया कि कैसे लाइन बना के एक ही डायरेक्शन में सो रहे हैं। और यहाँ पे मिस नूरी आकर मेरे ऊपर बैठ गई हैं, तो नूर को आज मुझ पर बहुत प्यार आ रहा था और काफ़ी देर, या आई थिंक एक डेढ़ घंटा मेरे ऊपर ऐसे ही बैठी रही थी। और इसका नूर का जो बाप था ना ज़िगी, उसको मुझसे बेहद प्यार था। मैं कहती हूँ जितना वो मुझसे प्यार करता था इतना आज तक कभी किसी कैट ने मुझसे प्यार नहीं किया, पर नूर के अंदर भी वही अपने बाप वाले जीन्स है ना, तो वैसे ही मुझसे प्यार करती है और मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है। आप में से किस किस के हस्बैंड जो है वो कर्टन के साथ अपने कपड़े लटकाते हैं? जरा मुझे इस चीज़ का जवाब देना। ये मैंने फजैल को कोई 1,00,000 दफ़ा मना किया है और कर्टन के साथ कौन अपने कपड़े लटकाता है मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे सख्त नफरत है, मैं तो कभी दरवाजों पे भी कपड़े नहीं डालती।
आप वॉशरूम में लटका आया करो। नहीं तो फिर अंदर ड्राइंग रूम में सोफे पर रख दिया करो। यहाँ रूम में मेरे सर के ऊपर आपने लटकाए हुए, इतने बुरे लग रहे हैं ना नूर। सारे मेरे कपड़े लुट जाते हैं। नूर बुरे लग रहे हैं ना, है ना नूर? नूर की ग्रूमिंग करनी है। नुली 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 छोटी सी नुली ग्रूमिंग करनी है सुबह। नूरी बाबा की बात सुन, बाबा की बात ही सुन लिया कर, थोड़ी सी बात सुन लिया कर। नोज तो अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं है ना, सिर्फ निशान लगा दिए, नोज तो है ही नहीं, नोज तो है ही नहीं, सिर्फ निशान लगा हुआ है ना नूर। आज इतना लाड क्यों कर रही है तुम्हारे साथ? पहले इसके बाप को मुझसे कितना प्यार था है ना, बहुत ज्यादा प्यार था। उस टाइम हम इतनी ब्लॉगिंग ही नहीं करते थे, नहीं तो मैं उसकी हरकतें दिखाती। नूर नूर आपके बाबा भी इसी तरह बैठ जाया करते थे मामा के ऊपर आपकी, आप भी वही हरकतें कर रही हो। नूर देखो आज कितना रिलैक्स फील कर रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज देखे सारे के सारे सो रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है? देखो जरा नीचे, माशाल्लाह माशाल्लाह। नूरी नूरी, अच्छा एक नूरी जाग रही है और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आज पता नहीं क्या मौजा हो गया, ये सब के सब ही सो रहे हैं। वैसे इनकी आंखों में नींद नहीं है, वो ना उसकी आंखों में फ्लैश लाइट पड़ रही है मोबाइल की, तो वो सोए जाग उठी है, और बाकी जो है सारे ये सो रहे हैं। कैट्स का जब पेट भर जाता है ना, उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया होता है, तो वो ऐसे ही उनको नींद आ जाती है और रिलैक्स होकर सो जाते हैं। तो बस आज की वीडियो मैंने यहीं तक बनाई है, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना पाई क्योंकि बस थोड़ा थोड़ा क्लिप्स शूट कर रही थी जितनी मेरे पास हिम्मत हो रही थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आऊँगी थोड़े से, मतलब लॉन्ग ब्लॉग्स की तरफ भी आती जाऊँगी मैं, थोड़ी सी तबीयत बिल्कुल मेरी ठीक हो जाए। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलूंगी आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।